हाय एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी वीडियो है, जैसे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं और वो मिठाई तो बनाना चाहते हैं पर उनके सामने एक ही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें खोया इजीली मिलता नहीं है, और मिल भी जाए तो उसकी क्वालिटी का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। तो आज हम दो तरह से खोया बनाएंगे, एक नॉनस्टिक पैन में और एक माइक्रोवेव में, और वो भी बिल्कुल फटाफट 3 मिनट के अंदर। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहली खोया रेसिपी के लिए मैंने लिया 1 कटोरी मिल्क पाउडर। ये मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कटोरी के करीब दूध है और 2 चम्मच मैं घी यूज़ करूँगी इसके लिए। अब इसके लिए हमें एक नॉनस्टिक पैन लेना है और उसमें जो हमने दूध लिया था वो हम डाल देंगे। और अभी मैंने इंडक्शन ऑन नहीं किया है क्योंकि गर्म दूध में मिल्क पाउडर डालने से उसमें लम्स आ जाते हैं, तो हम इसी ठंडे दूध में ही ये 2 चम्मच घी डालते हैं और उसके बाद हम मिल्क पाउडर डालते टाइम इंडक्शन ऑन कर लेंगे और धीरे धीरे उसे मिक्स करते रहेंगे। तो चलिए अब मिल्क पाउडर इसमें डाल देते हैं और धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसे चलाते हैं। और इसे हम नॉनस्टिक पैन में ही बनाएंगे क्योंकि अगर नॉर्मल किसी कढ़ाई या पैन में आप बनाते हैं तो ये चिपकने लगता है और बहुत जल्दी जल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिल्क पाउडर जो है थोड़ा स्टिकी होता है तो वो कढ़ाई से चिपकने लगता है। तो जब भी बनाएं आप नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करें, बस इसी तरह चलाते रहेंगे। जी हाँ, इसे आपको नॉन स्टॉप चलाना पड़ेगा क्योंकि आप अगर इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा, और फ्लेम जो है वो आपको लो ही रखना है वरना ये जलने लगेगा। देखिए, बस 1-2 मिनट बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये थोड़ा बहुत देखिए नॉनस्टिक में भी चिपकने लगा है, तो इसे चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमने घी डाला था इसके कारण अब ये धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगा है। और ये जो खोया हम मिल्क पाउडर से बनाते हैं ये थोड़ा चिकना होता है, तो ये गुलाब जामुन, बर्फ़ी या पेड़े जैसी मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो हमारा जो ये मावा या खोया है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसे हम अब निकाल लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल 2 मिनट में हमारा खोया तैयार हो चुका है। तो देखिए, ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। तो बस इसमें शुगर वगैरह ऐड कीजिए और अपनी मनपसंद मिठाइयाँ बनाइए। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा जो खोया बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। और जो दूसरी खोया रेसिपी है उसे हम कंडेंस मिल्क से बनाएंगे। तो मैंने ये 400 ग्राम का मिल्क मेड का कंडेंस मिल्क लिया है और इसे मैं पूरा ये बोल में डाल दूंगी। और यहाँ हम बड़ा बोल ही यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए क्योंकि मैं इसे माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब दही। अब मिल्क मेड के साथ दही क्यों डाला हमने, ये इसलिए डाला क्योंकि दही जो है वो खट्टी होती है और जब ये कंडेंस मिल्क के साथ मिलेगी तो ये रिएक्ट करेगी और हमारा जो खोया है वो दानेदार बनेगा। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अब ये माइक्रोवेव में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस अब इस मिक्सचर को 900 पावर में माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए आपको रख देना है। तो इसे स्टार्ट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद हमें इसे निकाल के थोड़ा चला लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है। तो बस इसी तरह हमें 1-1 मिनट के लिए इसे रखना है, एक साथ हम नहीं रखेंगे वरना ये जल भी सकता है। तो हम इसे एक बार चलाने के बाद वापस 1 मिनट के लिए रख देंगे। अब 1 मिनट और मैंने रखने के बाद इसे निकाला और देखिए ये थोड़ा अब गाढ़ा हो चुका है। तो बस थोड़ा बहुत जो इसमें दूध रह गया है उसके लिए हम इसे 30 सेकेंड के लिए बस और रखेंगे, इससे ज़्यादा रखने पे ये जल सकता है। तो बस 30 सेकेंड के लिए इसे और रख देते हैं। अब 30 सेकेंड बाद मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो देखिए, करीब 2.5 मिनट
माइक्रोवेव में रखने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी आई है। तो ये अभी गर्म है इसलिए आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही ठंडा होने लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमें इसे ऐसे ही रखना है बिल्कुल। अब ये खोया जो है वो ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये जो खोया है ना, ये बहुत ही दानेदार बना है और ये पहले से मीठा है। तो आप जब भी कोई मिठाई बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें चीनी अगर ऐड करना है तो करें, वरना कंडेंस मिल्क में पहले से इतनी चीनी होती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप गुजिया बना रहे हैं तो ज़रूर इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हम उसके फिलिंग जो बनाते हैं उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस इससे कलाकंद बनाइए, लड्डू बनाइए, गुजिया बनाइए, चाहे जो बनाइए पर बनाइएगा ज़रूर कुछ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।